प्रणाम और छोटो को ढेर सारा प्यार। आज है थर्ड डे एंड द लास्ट डे, वे चेकिंग आउट, घर से चेकआउट हो रहा है, थोड़ा जल्दी में है, पूरा बातें बोर्ड में जाके बताते हैं। सबसे ज़्यादा लेट हूँ मैं, कल सबसे ज़्यादा टाइम पे मैं था और आज सबसे ज़्यादा लेट मैं हूँ। कल रात को थोड़ा सोने में लेट हो गया था, तो ठीक है, रेडी हो चुका हूँ, जाता हूँ बोर्ड पे, मिलता हूँ आप लोगों से। आज थर्ड डे है, आज भी थोड़ा बहुत साइट सीइंग है और फिर उसके बाद घर चले जाना है। तो पिछला दो पार्ट कैसा लगा ये बताना मत भूलना, एंड स्टे ट्यून्ड, दिस पार्ट इज गोना बी द मोस्ट एक्साइटिंग वन, लेट्स गो। सो आज फिलहाल थोड़ा सीन हो गया भाई, मैं बताता हूँ आपको धीरे धीरे। अभी सब लोग जा रहे थे, थोड़ा टाइम मिला। मैं कल रात को थोड़ा लेट सोया था, तो आज यू नो व्हाट हैपेंड कि मैं थोड़ा लेट उठा और इस वजह से थोड़ा सा मिसअप हो गया, और मिसअप के चक्कर में सब रेडी हो गए, बस मैं नहीं हो पाया। और ज़्यादा नहीं, मैं लेट सबसे हूँ, लेकिन टाइम डिफरेंस वही समझो कि 10-20 मिनट का है। तो ठीक है, ये देखो हम लोग का रिसॉर्ट, ये वे था, ये रिसॉर्ट था, और ये मैं अभी जा रहा हूँ बोट पे। तो बाकी चलता है और आप लोगों को बोट में मिलता है। वही सेम सुंदरबन हॉलीडे, रिवरसाइड हॉलीडे रिसॉर्ट, यही रिसॉर्ट पे तो हम लोग थे, और सन मेरा बिल्कुल पीछे है, तो यू नो समझ रहे हो ना। और ये वही रास्ता है एकदम वही, और वो हमारा बोट। चलो एक्सक्यूज़ मी, तो चलो बोट पे चलते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं। हम एक जैसा बोट पे है, ये एक दूसरा टाइप ऑफ बोट, देखो नाम है MB डेल्टा क्रूज़र, तो ये एक AC टाइप बोट है, ठीक है, मस्त लग रहा है ना, पूरा AC वेसी केबिन, क्या सही लग रहा है। और हमारा बोट का मैंने तुमको अभी बोट का ओवरव्यू तो दिया नहीं है, ये देखो इधर लिखा हुआ है सेफ सुंदरबन। हमारा बोट का टाइप, यू नो ये जो बोट का टाइप है ये कैसा होता है कि ऊपर तुम बैठ सकते हो, देख सकते हो, नीचे सोने का जगह होता है, पूरा का पूरा बोट नॉन AC होता है, और बाथरूम वगैरह भी ठीक ठाक होता है, एंड इधर खाना वाना खा सकते हो, रह सकते हो। हम लोग मेनली जब फोटोग्राफी वाले डेडिकेटेड ट्रिप्स पे आते हैं, तब हम लोग एकदम पूरा नीचे ही रहते हैं, हम लोग होटल ज़्यादा करते नहीं हैं। अभी फैमिली के साथ आए हैं तो होटल करना ज़रूरी हो गया, एंड बाकी सब बढ़िया है। अभी ब्रेकफास्ट करने बैठेंगे, तो ब्रेकफास्ट आप लोगों को दिखाएंगे। एंड सो आज का ब्रेकफास्ट में रोटी, सब्जी, अंडा, ये पापा का आ गया, ये मम्मी खा रही है। और चलो अभी का अपडेट अगर मैं तुमको दूँ तो बात यह है कि लंच ऑलमोस्ट कम्प्लीट, अरे क्या बोल रहा हूँ यार, तो अभी का अगर अपडेट मैं तुमको दूँ तो भाई ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, ब्रेकफास्ट कंप्लीट किए गए 30-40 मिनट्स हो गया। आवाज़ ना कोड़ीसना 30-40 मिनट्स हो चुका है, तो लाइक अभी 11:30 हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स दोबा की, देन उधर से शायद जाएंगे जौहरखाली, देन जौहरखाली से हम लोगों को हमारा एग्जिट पॉइंट पे लिया जाएगा, फिर हम लोग कार करके वापस घर। तो द थिंग इज़ दैट यू नो द मेन हिट पॉइंट्स लाइक पीरखाली 5-6, वो तो डोबागी का साइड ही है, चलो वो भी ठीक है, लाइक यू नो द अदर द कोर पॉइंट्स, बफर एरियाज, आई नीड अ डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ट्रिप इट सीम्स राइट नाउ, यू नो लाइक आई नीड इट राइट नाउ यार। मुझको सच में लग रहा है कि अभी होना चाहिए एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ट्रिप डेडिकेटेड, लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। डोबा की वॉच टॉच चलते हैं, फिर आप लोगों को बोलते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये जो एरिया से हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं ना, इसको डोबैकी आइलैंड का वे बोलते हैं, ऑलमोस्ट वी आर नियर टू द डोबैकी कैंप ऑफ द डोबैकी आइलैंड। एंड इधर मैंने जब पहली बार आया था डियर देखने, तो मेरे को इधर ही डियर स्पॉट हुआ था, और मैक्सिमम डियर साइटिंग्स इधर ही होता है, और जगह पूरा देखो घना फॉरेस्ट है। अगर तुम सामने भी देखो कि दोनों तरफ फॉरेस्ट चालू हो चुका है, एंड दिस इज़ द थिंग कि तुम लोग देख सकते हो अभी जो जोर चल रहा है, इसलिए पानी इतना ऊपर तक है। और बातों में आपको बता दूं कि डियर मैंने पहली बार इधर ही देखा था, अभी कोशिश करते हैं कि देखने को मिलता है कि नहीं, लेट्स गो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे अगर मिलेगा। हम लोग आ चुके हैं डोबैकी कैंप पे, ये देखो एक बोट अभी टूरिस्ट खाली करके जा रहा है, और वो है डोबैकी कैंप। तो ये एक वाला कैंप है इधर, जिधर तुम लोग थोड़ा स्काई वॉक तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा स्काई वॉक का फील ले सकते हैं, यू नो यू कैन टेक द फील। तो आप लोगों को दिखाते हैं, ये डोबैकी कैंप में मेरा सेकंड टाइम है, मैं पिछली दो बार जो या तीन बार जो आया था, तो एक ही बार डोबैकी कैंप आया था, बाकी दो बार शायद नहीं आया था, दिस इज सेकंड टाइम। तो ऑलमोस्ट वी आर नियर टू द डोबैकी कैंप,
देखते हैं, चलो चलते हैं एंड आप लोगों को भी दिखाते हैं टोबाकी कैंप। लेट्स गो। सो हियर वी कम द टोबाकी कैंप। और ये जो मैं बोल रहा था थोड़ा स्काई वॉक टाइप है, ये है जी थोड़ा स्काई वॉक। कि तुम अगर इधर से देखोगे नीचे से पूरा जंगल है और ऊपर पूरा का पूरा एकदम वॉक टाइप बनाया गया है। दिखाते हैं आप लोगों को, सब लोगों को आने देते हैं फिर चलते हैं। ये देखो थोड़ा स्काई वॉक देख लो एंड इधर देखो, दो तरफ तुम अगर देखोगे तो जंगल ही जंगल है और हम लोग एकदम ऊपर से जा रहे हैं तो ये एक अलग सा फील है। ये मेरा सेकंड टाइम है। देखो ये है जंगल, इधर भी जंगल है एंड ये ऊपर से स्काई वॉक करके हम वॉच टावर तक जाएंगे। काफ़ी बढ़िया नज़ारा है ना, तो चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं और हम लोग भी चलते हैं। लेट्स गो। धूप काफ़ी ज़्यादा है और जब भी धूप होता है ना तो एक चीज़ का सियोरिटी आता है कि कुछ ना कुछ तो देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो अगर बारिश बारिश होता है, थोड़ा रेनी सीजन होता है तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बाकी सब बढ़िया है। चलते हैं लेट्स गो। सो ये मेरा पीछे देखो बैकग्राउंड सा, एकदम क्या सही सा नज़ारा है ना, पूरा लॉन्ग फेंस। और ये सामने मेरा मम्मी पापा जा रहे हैं गाइस, समझ रहे हो ना। तो काफ़ी बढ़िया है, एक थंबनेल ले लेते हैं इधर और फिर चलते हैं। तो अभी चैनल अच्छा यूट्यूब है, तो अभी इन दादा लोग से मिले तो एक बार हाय कर दीजिए वीडियो में। हाय, थैंक यू, थैंक यू। ये जो रास्ता तुम देखे एसी रास्ते से हम लोग आए, एकदम वो वाला साइड से इधर होके इधर हम लोग आए एक कैंप पे। और ये अगर कैंप पे तुम देखोगे कि ये एक स्वीट वाटर स्पॉट है, कल जैसा दिखाया था व्लॉग में कि एक स्वीट वाटर स्पॉट होता है जिधर रेन वाटर को ट्रैप किया जाता है, तो टाइगर्स डियर सब लोग आते हैं पानी पीते हैं। तो ये एक और स्वीट वाटर स्पॉट है जो कि टोबाकी कैंप में है एंड बाकी आज तो साइटिंग कुछ मिला नहीं है। हाँ एक पान कोड़ी है इधर, ये वाला, बट वी आर नॉट हेयर फॉर दैट राइट नाउ। सो बाकी सब बढ़िया है। सो ये हम लोगों का वो गेट से एंट्री हुआ था और ये एक और गेट है। देखो थैंक यू विजिट अगेन, मतलब ये टोबाकी जो कैंप था वो हम एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट करके बोट में चढ़ते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं मेरे भाई। सो अभी फ़िलहाल हम टोबाकी कैंप से वापस आए और अभी हम जा रहे हैं झोरखाली कैंप पे। तो यही कुछ नज़ारा है, लाइक एक नदी के बीचों बीच क्या नज़ारा दिखाना तुमको। सो इट्स लाइक हम उधर चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं फिर। सो फाइनली झोरखाली जो हम लोग का एक और वॉच टावर है उधर हम उतर गए और ये है हम लोगों का बोट, हम लोग उतर चुके हैं और अभी जाएंगे वॉच टावर के अंदर, दिखाते हैं आप लोगों को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। सो ऐसा लकड़ी का ब्रिज से तुम लोगों को जो है झोरखाली का जो ये है टिकट काउंटर तक जाना पड़ेगा और टिकट काउंटर जाते जाते तुम लोगों को छोटा सा मार्केट टाइप पड़ेगा, कुछ भी ख़रीदना है चिप्स वगैरह चॉकलेट वगैरह तो ख़रीद सकते हो। और इधर एक छोटा सा मंदिर टाइप है और ये तो पूरा सुंदरबन है, सुंदरबन तो इधर छोटा सा मंदिर टाइप है और इधर सुंदरबन ही सुंदरबन। और हम लोग ब्रिज से चल रहे हैं, चल रहे, चलो। एक छोटा सा मार्केट है वो देखो, छोटा मोटा मार्केट, मार्केट के अंदर ये जो है ये है टिकट काउंटर। ये टिकट काउंटर से तुम टिकट लेना होगा और फिर झोरखाली में तुम्हारा एंट्री होगा। ये है एंट्री गेट, ये एंट्री गेट से तुम्हारा एंट्री होता है झोरखाली। इसमें जो झोरखाली जो ये जो इको टूरिज्म पार्क बोल लो या फिर जो भी बोलो वाइल्ड एनिमल पार्क बोल लो, इसमें देखो टाइगर स्पीसीज इतना सारा है लेकिन ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है इधर ये सुंदरबन में यही मिलता है। एंड द थिंग इज दैट लाइक इधर एक दो टाइगर को लोग रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं और फिर इधर ला के ट्रीट व्रीट करके फिर आराम से इन लोगों को फिर अपना हैबिटेट पर छोड़ देते हैं। तो यही इन लोगों का मेन काम है, बाकी सब तो एकदम बढ़िया है। चलते हैं और आप लोगों को वो टाइगर दिखाते हैं एंड सेकंड ऑफ ऑल ये पार्क भी दिखाते हैं। पता नहीं कितना शूट करने देगा कितना नहीं देगा, कितना भी देगा आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये पूरा पार्क है आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा ही पार्क है एंड बाकी सब एकदम मस्त। लेट्स गो। सो ऐसे ही जैसे हैबिटेट्स टाइप है तो इधर हम लोग एक पिछले वाले में जो था उधर एक मगरमच्छ था और बाकी इधर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, देखते हैं क्या मिलता है और
हम लोग इधर एक देखना है, एक इन्फॉर्मेशन मिला कि इधर एक टाइगर है, तो उस टाइगर को देखेंगे। और तो अभी सबको तो पता नहीं है ना रॉयल बंगाल टाइगर कैसे दिखता है, फोटोज़ में तो सब देखे हैं आई नो दैट, बट यू नो लाइक कितना बड़ा साइज़ होता है क्या नहीं होता है, तो वो सब दिखाने के लिए मेनली इधर लाया गया है। तो इधर तुम देख सकते हो मेनली इधर क्या क्या है, क्या है बताओ? एक बंगाल टाइगर और एक है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। क्या मस्त लग रहा है भाई, क्या सुंदर सा वे है, क्या सुंदर लग रहा है, क्या सही नज़ारा है ना, एकदम मस्त। मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल पैदल, क्या सही लग रहा है भाई, एकदम मस्त ना, सही है भाई। चलो चलो चलो, ये देखो क्रोकोडाइल, ये स्टैचू नहीं है, इसका आँख देखो लाइव है और पेट देखो सांस चल रहा है। ये एक्चुअली सेंचुरी है, सेंचुरी के अंदर ये है क्रोकोडाइल, और वो अंदर ये अंदर एक रॉयल बंगाल टाइगर रेस्ट ले रहा है। बाकी सब बढ़िया है, ये क्रोकोडाइल इतने पास से आए ब्रो, सॉरी बस ज़्यादा ही डार्क हो गया। चलो तो अभी हम लोग ये झोरकाली का जो भी कैंप वगैरह था, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, वो देख के कंप्लीट हो गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं बोट की तरह, लंच करेंगे खाएंगे और फिर निकल जाएंगे हमारा डेस्टिनेशन गौदखाली के लिए। और फिर गौदखाली में लाइक वी हैव आवर कार्स पार्क्ड, ठीक है, हमारा कार्स पार्क्ड है, तो फिर उधर जाएंगे कार में बैठेंगे और घर, बस बाकी सब बढ़िया है, चलते हैं। और ये मार्केट से शायद कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आइसक्रीम मिलेगा तो ले लेंगे, बाकी सब बढ़िया है, चलते हैं, बाकी आप लोगों को मिलते हैं। लेट्स गो, अंधेरा हो गया क्योंकि ये मार्केट का अंदर का एरिया है भाई, पूरा ये पूरा मार्केट ही मार्केट है। तो फिर चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं। सो ये झोरकाली गेट से एग्जिट होके, ये देखो झोरकाली फेरी घाट, और ये गेट से चलते हुए तुमको बोट में चढ़ जाना है, और उतरते टाइम तुमको शायद वो गेट में उतर देगा, लेकिन जाने का टाइम तुमको वहीं से जाना पड़ेगा मेरे भाई। तो चलते हैं, और काफ़ी दिनों बाद ये लिया गया है, नॉट अ पेड प्रमोशन ऑब्वियसली, थम्सअप इज़ नॉट गोना स्पॉन्सर मी, बट यू नो थम्सअप आफ्टर सो मेनी डेज इट फील्स हैप्पी। सो चलते हैं, और ये एक्चुअली एक फेरी घाट टाइप है। सही है, मिलते हैं आप लोगों को लंच टेबल पे, लेट्स गो। तो ये आ चुका हमारा लंच, भात दाल बैगनी सलाद, और बाकी सब आ रहा है, लाइक क्या क्या है क्या क्या नहीं है पता नहीं, उतना एक एक करके दिखाता है आज, इतना जल्दी कुछ नहीं है, आप लोगों को दिखाएंगे धीरे धीरे, लेट्स गो। इधर एक और सब्ज़ी आया, और क्या क्या आता है दिखाएंगे। एक और चीज़ था कि ये क्रैब है, लेकिन आई एम एलर्जिक टू क्रैब्स, सो नो क्रैब्स। अदरवाइज एक बार लास्ट जब मैं क्रैब खाया था पूरी में, आई वॉज हॉस्पिटलाइज, एंड द सेकेंड टाइम व्हेन आई एट इट आई वॉज लाइक ऑन लूज मोशन फॉर 2 to 3 days, सो नॉट टेकिंग इट एनी मोर भाई, आई एम डन विथ क्रैब्स फॉर माई लाइफ। फाइनली वो चीज़ आया जिसका इंतज़ार था, चिकन ब्रो, चिकन का लो फ्रेंड्स, चिकन लेग पीस आ चुका है, इसको दबाते हैं। तो ये हमारा अंतिम संस्कार, चाटनी पापड़ ख़त्म, इसको ख़त्म करते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। सो लंच कंप्लीट, अभी हम लोग जा रहे हैं गौदखाली की तरह, उधर से हम कार लेंगे, जो कार हम लोग आए थे विंगर में, वही विंगर या ट्रैवल जो भी बोलते हैं उसमें बैठेंगे, बैठ के घर, बस ख़त्म ट्रिप। सो टाइगर साइटिंग तो नहीं हुआ इस बार, बैड लक ही है, कुछ भी हो नहीं हुआ। तो चलते हैं, ब्लॉग इधर ख़त्म नहीं करते, घर पे जाके ख़त्म करेंगे या फिर रास्ते में करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जंगल में ही है, लेकिन पता है अभी कुछ साइटिंग होगा नहीं। तो लंच हुआ जस्ट, आप लोगों ने देखा, और बाकी सब बढ़िया है। 2 hours later कहाँ स्टार्ट किए थे और कहाँ, देखो मैं GoPro को अंदर डाल दिया क्योंकि कोई फुटेज नहीं आएगा फ़ोन में, जितना कुछ आ रहा है जूम वूम करके, ठीक है। यही घाट है, इसी को बोलते हैं गौदखाली घाट, तो इसी पे हमारा बोट जाके रुकेगा। अभी हम लोग बोट पे ही है, कुछ नहीं दिखेगा अगर मैं कैमरा भी घुमाऊँ, सिर्फ बोट का ये ग्रीन लाइट तुमको दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। बाकी चलते हैं उधर, फिर लाइट के अंदर बात करते हैं। चलो वो देखो बोट में सब उतर रहे हैं, और ये रास्ता अभी फ़िलहाल चलते हैं, और आप लोगों से ना डायरेक्ट घर पर ही मिलते हैं,
क्योंकि लगेज वगैरह है और सब अभी गाड़ी में बैठेंगे, शाम भी हो गया, तो चलो डायरेक्ट घर पे मिलते हैं, बाकी कहानी उधर बताते रहते हैं। चलो, थैंक यू विजिट अगेन, ऑब्वियसली आई विल डू एंड फिर आएंगे, ये पक्का बात है। अभी गेट से निकल गए, गाड़ी में बैठते और घर की तरफ भरते, लेट्स गो। पूरा लगेज ही लगेज है, देख सकते हो। लेट्स गो। वन इटर्निटी लेटर। सो फिलहाल अभी घर आ चुके थे, तो उस दिन हम व्लॉग एंड नहीं कर पाए थे, अभी तो बहुत दिन बीत गया। आज ऑलमोस्ट 12 तारीख हो रहा है आज, तो व्लॉग मैं इधर एंड कर रहा हूँ। इतना दिन से मैं यूट्यूब में नहीं था, तो मेरा पिछला दो जो एपिसोड मैंने दिया है सुंदरबन 1 और 2, उसमें उतना खास रिस्पॉन्स नहीं है। मैं देखा 100 और 150 व्यूज़, आई नो वो मेरा गलती है, मैंने इतना दिन व्लॉग नहीं दिया, तुम लोग भी नाराज़ हो, अभी कोई देखता नहीं है। चलो ठीक है, अभी मैं रेगुलर होने का कोशिश कर रहा हूँ, हर रोज़ हर दो दिन में, हर तीन दिन में व्लॉग ला रहा हूँ। अभी ये एपिसोड इधर ही ख़त्म होता है, सुंदरबन एपिसोड। इसके बाद जो आने वाला है वो है भाई, इतना दिन तुम लोगों को पता था कि मेरा गोप्रो ख़राब हो चुका है, एक नया गोप्रो मैंने ख़रीदा है, तो उसका अनबॉक्सिंग वगैरह, फिर मोटो व्लॉगिंग सेटअप, एंड देन यू नो मेरा बघीरा के साथ क्या क्या मिसअप्स हुआ, क्या हुआ, व्हाट इट वेंट थ्रू, एवरीथिंग। अभी लंबा व्लॉग आने वाला है, सब एकदम धराधर धराधर। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो यार, फ्री है, बस दबा दो, कोई पैसा नहीं लगता, बस दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और भाई थोड़ा प्यार दिखाओ। मैं रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूँ, मानता हूँ मेरा गलती, इतना दिन ब्लॉग नहीं डाला, तो बाकी सब बढ़िया है। मिलते हैं आप लोगों को एक नया ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money.